हाय हेलो गुड मॉर्निंग हेलो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल सिविल। तो चलिए आज फ्रेश मॉर्निंग है, फ्रेश स्टार्ट हम कर रहे हैं हमारे इस मॉर्निंग क्लास को बिल्कुल 9 बजे के आसपास। ठीक है, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और हेलो गुड मॉर्निंग कटारिया, गुड मॉर्निंग सिंह, गुड मॉर्निंग हिमानी, गुड मॉर्निंग सिविल, गुड मॉर्निंग मासी, गुड मॉर्निंग मिहिर, गुड मॉर्निंग दीपक। चलिए तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम जो है इस लेक्चर के अंदर एक प्लेट गर्डर के एग्जांपल को ऊपर ऊपर से देखेंगे, जैसे मैंने आपको कल रात में कहा था। ठीक है, किसी ने हमें सजेस्ट किया था, काफी सारे लोगों ने, कि प्लेट गर्डर के एग्जांपल को कम्प्लीटली सॉल्व मत करवाइए इंटरमीडिएट स्टिफनर वाले जो केस है वो, आप सिर्फ हमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा बता दीजिए उसके बारे में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं आपको ऊपर से किस तरह से आपको, अगर इंटरमीडिएट वाले एग्जांपल पूछे जाते हैं कि आपको इंटरमीडिएट स्टिफनर प्रोवाइड करने हैं तो ऐसे एग्जाम्पल को आपको किस तरह से डील करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, जहाँ तक हो सके वहाँ तक, जीटीयू के अंदर बहुत कम एग्जाम्पल आते हैं इस तरह के, क्योंकि ये एग्जाम्पल थोड़े कठिन और थोड़े लेंदी होते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज ही होते हैं, लेकिन अगर खैर आ गए तो आपको ऐसा नहीं है कि फिर आपको आना नहीं चाहिए। ठीक, आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया रहना चाहिए कि किस तरह से ये सारी चीज़ें आपको डील करनी है। ओके, तो थोड़े लोग और जुड़ जाए तो हम हमारे इस सेशन को शुरुआत करते हैं। आप सभी को वॉइस बराबर आ रही थी मेरी अब तक? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरी वॉइस बराबर आ रही है? यस और नो? इज एवरीथिंग ओके? चलिए ठीक है, बहुत खूब। तो भाई चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि हमें अभी दूसरा भी काम है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम सुबह की क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, और आखिर में मुझे आपसे कुछ और बातें भी करनी है अगले टॉपिक को लेकर। ठीक है, हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग अमर। ठीक है, तो चलिए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं, इसके मेन टॉपिक को। एग्जांपल देखिए, अगर हम पिछले एग्जांपल को ही इंटरमीडिएट स्टिफनर के अंदर उसे हम डिज़ाइन करें, या फिर पिछला जो हमने एग्जांपल लिया था प्लेट गर्डर का, उसी के अंदर अगर हम इंटरमीडिएट स्टिफनर को डिज़ाइन करें, जो कि अगर आपके पास बुक है, ठीक है, टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है, तो उसके अंदर आपको सेकंड एग्जांपल ही दे रखा है कि आपको प्रीवियस एग्जांपल को, एग्जांपल वन को जो है वो इंटरमीडिएट स्टिफनर के लिए भी डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल के अंदर करना क्या होता है, तो लोड कैलकुलेशन हमें करना है, वो सेम एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद आपको उसके अंदर शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन भी वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर बदलाव होता है जो सेक्शन सिलेक्शन के ऊपर से। ठीक है, क्योंकि सेक्शन सिलेक्शन के अंदर देखिए, अब मैंने जो आपको लिखाया था वो ओपन कर लीजिएगा, या अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है उसे ओपन कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास आईएएस कोड है तो उसमें उसको भी अपने साथ ले लीजिए। ठीक है, कैलकुलेटर साथ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कैलकुलेशन एक भी यहाँ पे नहीं करेंगे। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उसको ऊपर से बता दूंगा कि एग्जांपल आपको किस तरह से सॉल्व करना है, ओके, और कब कौन सी चीज़ आपको फॉलो करनी है। ठीक है, जेवी प्रजापति कह रहे हैं कि सर हम कनेक्शन वाले चैप्टर में हम आईएएस यूज़ करते हैं, वो कैसे करते हैं? सर कैन आई शेयर योर वीडियो लिंक ऑन माई वेबसाइट? हाँ जी, आप हमारी वीडियो लिंक आपकी वेबसाइट के ऊपर बेशक शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एजुकेशन बेसिस पर है तो आप कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। और लेकिन याद रहे, वीडियो लिंक हमारी होनी चाहिए। ठीक है, फिर ऐसा नहीं कि आप हमारा वीडियो कॉपी करके अपने वीडियो में कन्वर्ट कर रहे हो, उसे फिर आप जो है उसे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये नाइंसाफ़ी होती है। ओके, ये यूट्यूब के नियमों के ख़िलाफ़ होता है, जो आपको शायद नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारे ही वीडियो की लिंक वहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी होगी, जो आप कर सकते हो, इसके अंदर कोई रोक टोक नहीं है, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, तो जे भी कह रहे हैं कि हम स्टील में आईएसए किस तरह से सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम कनेक्शन को डिज़ाइन कर रहे थे ना, तब मैंने ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताए थे कि जब भी आप आईएसए सेलेक्ट करते हो तो कौन कौन से बेसिस को और कौन कौन से फैक्टर्स को लेकर आप सेलेक्ट करते हो। ठीक है, तो
आप उन वीडियोस को, उन लेक्चर्स को एक बार देख लीजिए जीवी, ठीक है, ताकि आपको आइडिया आ जाए। अगर फिर भी आपको आइडिया ना आए तो हम बैठे हैं, ठीक है, आप हमें फिर से सवाल पूछ सकते हो। ओके चलिए, हाँ मिस्टर जादव वेलकम, ठीक है चलिए तो अपन शुरू करें। अब मैंने आपको बताया पहले कि अगर आपके पास इंटरमीडिएट वाला एग्जांपल कोई है स्टीफनर अगर आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो हमने स्टेप लिया था कि भाई लोड कैलकुलेट आपको एज इट इज़ करना होगा। उसके बाद मतलब एज इट इज़ मतलब जो हमने पहले एग्जांपल में लोड जिस तरह से निकाला था वो आपको करना होगा। दूसरा कि हमने जो शियर फोर्स निकाला था वो भी एज इट इज़ सेम रहेगा, सेम मेथड रहेगा, सेम तरीका रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास उसके अंदर जो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन आता है वो भी सेम तरीका रहेगा। अब देखिए बदलाव यहाँ पर होता है सिलेक्शन, ठीक है, सेक्शन सिलेक्शन के अंदर। तो देखिए सेक्शन सिलेक्शन का जो बदलाव होता है वो कहाँ होता है आप ये देख लीजिए। IS 800 में जाइए, IS कोड ओपन कीजिए आप, IS 800 में जाइए, वहाँ पर क्लॉज नंबर 8.6.1.1 का बी पार्ट जो है उसे देखिए, वहाँ पर देखिए, वहाँ पे आपको 3D इज ग्रेटर देन इक्वल टू C इज ग्रेटर देन, या फिर हम कह सकते हैं कि C इज इन बिटवीन 3D और D, ये जो कंडीशन है इसे आपको पकड़ के चलना होता है, जिसके लिए जो D बाई T का रेशियो होगा आपका, ठीक है, विच शुड बी लेस देन और इक्वल टू 200 एप्सिलॉन, जिसके अंदर आपको सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट की भी ध्यान रखना होता है, इसलिए आपको उसको डी बाई टी डब्ल्यू के रेशियो को आपको 200 से कम लेना होता है, ठीक है। और इसीलिए आप जो सी की वैल्यू है, ठीक है, सी की वैल्यू है वो आप जो है 3D और डी के बीच की कंसिडर करते हो, ठीक है, हाँ पेज नंबर 63 के ऊपर, बिल्कुल सही। ओके तो आपको उसके अंदर जो क्राइटेरिया है डी बाई टी डब्ल्यू का वो आपका सिर्फ चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, ठीक है। आप जो सेक्शन सिलेक्शन के अंदर जो प्रोसेस करते थे कि उसके अंदर आपको ऑप्टिमम डेप्थ निकालनी है, उसके बाद आपकी वेब की सेक्शन को सिलेक्ट करना है, देन आपको फ्लैंज का एरिया निकालना है, ठीक है, उसके बाद आपको सेक्शन को ऐसा एज्यूम करना है कि वो प्लास्टिक है, और उसी के बेसिस पर फिर पेज नंबर 18 से उसकी कंडीशन को उठा के उसके लिए थिकनेस ऑफ फ्लैंज और विड्थ ऑफ फ्लैंज निकाल के फ्लैंज का आपको सेक्शन वहाँ से डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये सेक्शन सिलेक्शन के अंदर हमारी एज इट इज़ रहेगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इसके अंदर अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप अभी बता दीजिएगा, ताकि अपन उसे साथ में आगे सॉल्व करते चले, ठीक है। ओके तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें सेम रहेगी। हाँ बताइए क्या आपको लोडिंग में क्या कन्फ्यूज़न, बताइए, आपने शायद कमेंट भी की थी मुझे, ठीक है, आपकी कमेंट जहाँ तक मुझे याद है आपने कहा था कि फैक्टर्ड क्यों किया है, ऐसे ही कुछ कमेंट थी आई थिंक भाभी, आप बता दीजिए मुझे फिर से एक बार आपका क्या कन्फ्यूज़न है, अपन इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है चलिए। तो इस तरह से हमने सेक्शन सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है मैंने आपको बता दिया है। ओके चौथा स्टेप जो होता है मिनिमम थिकनेस रिक्वायरमेंट का, वेब थिकनेस रिक्वायरमेंट का, उसके लिए आपको दो चेक होते हैं, उसके सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट और कंप्रेशन फ्लैंज बकलिंग रिक्वायरमेंट। ये भी आपका जो प्रोसेस होती है ये सेम एज इट इज़ रहेगी, सेम तरीका रहेगा, ठीक है, आपको उसके लिए भी चेक करना है। यहाँ पर जो प्रोपोर्शन है डी बाई टी का वो चेंज हो रहा है सिर्फ, उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है सारी चीज़ें, ठीक है। आप जब आईएस कोड में देखोगे तो अपने आपको जो है अपने आप समझ आ जाएगा कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर चेंज हो रही है, किस रिस्पेक्ट में लेनी है, ठीक है। अगर उसके बावजूद आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है ना, आप पेज नंबर 63 पर जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके बाकी दोनों चीज़ें सेम है, डी बाई टी डब्ल्यू रेशियो जो है वो लेस देन 200 एप्सिलॉन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंप्रेशन फ्लैंज की अगर बात करें तो उसमें डी बाई टी डब्ल्यू रेशियो जो है वो लेस देन 345, क्यों ऐसा, क्योंकि सी बाई डी का जो रेशियो है आपका वो लेस देन 1.5 आपने यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है। ये आपको IS कोड में ही दे रखा है, आप देखोगे वहाँ पर जाके, मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ कि IS कोड में पेज नंबर 63 को ओपन कीजिए तो आपको वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है, कि भाई सी बाई डी रेशियो क्या है, कितनी वैल्यू उसकी किस तरह से दे रखी है, ओके, उसका प्रोपोर्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको IS कोड से मिलेगी। ओके इतनी अच्छी चीज़ है कि आपको IS कोड अगर दे रखा है तो फिर आपको हर एक चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, IS कोड को खोलो थोड़ा बहुत ढूंढो, ठीक है। हाँ तो अमर कह रहे हैं कि एग्ज़ाम में लोड एग्ज़ाम में लोड आप या ना होए तो क्या एज्यूम करवाना सर। देखिए ऐसा नहीं होता है कि आपको डिज़ाइन करने के लिए कहा गया और एक भी लोड नहीं दे रखा है, लोड तो आपको कोई ना कोई दे रखा है, ठीक है, आपको ऑब्वियसली लोड दिया होगा, ओके। और अगर लोड नहीं दिया है तो आपको कोई ना कोई इसके बारे में हिंट या क्लू दिया होगा, या फिर इसका सेल्फ वेट ऐसा है, या फिर आपको कहा गया होगा, या फिर अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का लोड नहीं दे रखा है, चले मान लीजिए आपकी बात हम मान लेते 2 मिनट सही है,
तो आप जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है ना, तो ऊपर कुछ सूचना है, कुछ नोट्स करके लिखी होती है, उसमें सबसे उसमें एक नोट्स ऐसी भी होती है कि एज्यूम द सुटेबल एजम्पशन इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, आप क्या कर सकते हो उसमें से, जहाँ भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उसे एज्यूम कर सकते हो, वो ऊपर नोट्स का मतलब होता है। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली, उस पेपर के अकॉर्डिंगली, GTU के अकॉर्डिंगली उसमें से अपने आप का जो भी लोड है वो एज्यूम कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक होता है वहाँ तक जो है वो लोड आपको देते ही है। ठीक है, मिहिर कह रहे हैं कि सर आमा के नी वैल्यू 150 सज लिए तो ना चाले। देखिए IS कोड आपने ओपन किया मिहिर, क्या आपने IS कोड ओपन किया? क्योंकि IS कोड में आपको देखिए स्टीफनर को लेकर कुछ कंडीशंस दे रखी है वहां पर। क्या आपने IS कोड ओपन किया मिहिर? 8.6.1.1 नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक बार ज़रूर कर लें। मैं आपको IS कोड में बताते चलता हूँ। चलिए 8.6.1.1 का सेकंड पार्ट। ठीक है, देखिए इसमें आपको कहा गया है कि आप अगर 150 लेते हो, आपकी यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है, हमने कौन सी ले रखी थी? IS कोड के अकॉर्डिंगली। मिहिर आप IS कोड देख रहे हो? SKS वेलकम, हैव अ गुड मॉर्निंग। अच्छा हाँ, एक मिनट बाकी, मैं आपका सवाल लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं मिहिर का सवाल, जरा मिहिर का जो डाउट है उसे हम पूरा कर देते हैं। ठीक है, बारी बारी से अपन बात करते हैं। हाँ तो एक मिनट, ये बुक में जरा नीचे रख देता हूँ। इसके अंदर लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन हमको हो सकता है क्योंकि कंडीशन बहुत सारी है। ठीक है, कंडीशन को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो। ठीक है, देखिए 150 आप कब ले सकते हो? जब आपको ट्रांसवर्स स्टीफनर जो है वो अवॉइड करने हैं, आप तभी 150 ले सकते हो। क्योंकि आपको कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर 200 से ज़्यादा होता है या फिर 200 की इक्वल होता है तो आपको इंटरमीडिएट स्टीफनर प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, या कम होता है तो आपको स्टीफनर प्रोवाइड करने हैं। अगर आप 100 या इसके आज आसपास लेते हो, ठीक है, तो आपको स्टीफनर प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, थीके? तो ये सारी कंडीशंस होती है इस तरह से। अब ये जब कंडीशन सारी आपकी गिवन है, प्रोवाइडेड है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपको चलना होता है। अगर आप 150 करते हो तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि आपको स्टीफनर वहाँ पर जो है ट्रांसवर्स स्टीफनर प्रोवाइड नहीं करने। लेकिन यहाँ पर हमें जो सवाल दे रखा है वो ट्रांसवर्स स्टीफनर प्रोवाइड करने का है। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टीफनर आपको प्रोवाइड करने इसके अंदर, तो इसी सवाल के अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है मिहिर, ओके, आपको यहाँ पर 180 के आसपास, 150 और 200 के बीच में वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक मिनट ज़रा, एक मिनट दोस्तों, आई एम सॉरी, थोड़ा यहाँ पर दिक्कत हो गई थी। ठीक है, सो आई एम सो सॉरी, मैं आपके एक बार फिर से सारे कमेंट देख लेता हूँ क्या है। हाँ बाबी, आपका सवाल क्या था? तो देखिए UDL 120 किलो न्यूटन पर मीटर है इंक्लूडिंग सेल्फ वेट। इंक्लूडिंग सेल्फ वेट है तो आपको सेल्फ वेट अलग से कैलकुलेट करने की बिल्कुल आवश्यकता, ये ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
स्पान आपका 18 मीटर, टोटल फैक्टर लोड आपका 120 × 8। देखिए ये टोटल फैक्टर्ड लोड इस तरह से नहीं निकाला जाता है, ठीक है। फैक्टर्ड लोड के लिए आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब 1.5 मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। आपको फैक्टर्ड लोड के लिए क्या करना होता है, आपका UDL जो है आपको 120 दे रखा है, इंटू 18 इंटू 1.5 करना होगा आपको, तब जाके आपको टोटल फैक्टर लोड मिलेगा इसका, ठीक है। आपको इसके अंदर जो है सेल्फ वेट अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, बस डिफरेंस यही होगा, बाकी जो हमने एग्जाम्पल के अंदर कर रखा है वो आपको पूरा करना है, ठीक है। धैर्य करे, ये कौन सा एग्जाम्पल चालू है, देखिए ये आपका दूसरा एग्जाम्पल चालू है, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टिफनर वाला जो आपको बुक के अंदर, अगर आपके पास बुक है तो उसमें देखिए ओपन करके, वही एग्जाम्पल हमने स्टार्ट किया है, और इस एग्जाम्पल के हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से मैं एग्जाम्पल का ओवरव्यू बता दूंगा कि एग्जाम्पल के अंदर कौन कौन से कहाँ कहाँ चेंजेस हो गए और किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, ठीक है ना। एज्यूम के 180 कैसे पता चलेगा सेक्शन सिलेक्शन में, देखिए जो के की वैल्यू होती है सेक्शन सिलेक्शन में, आपको बता दूं, देखिए ये रेंज होती है, ओके, आपको क्या करना है 150 और 200 इन दोनों के बीच के वाली वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब इसके अंदर आप 170 भी एज्यूम कर सकते हो, 190 भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 180 ही एज्यूम करना है, यू कैन एज्यूम एज द वैल्यू यू वॉन्ट, बट शर्त यह है कि वो 150 से 200 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि आपको इसके अंदर ट्रांसवर्स इंटरमीडिएट स्टिफनर प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है, शर्त ये होती है। आप IS कोड को अगर समझोगे बराबर तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, आपको कौन सी वैल्यू कहाँ पर, ये सारी रेंज वाली वैल्यू होती है, इसके अंदर कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, ठीक है, इसकी एक अपनी रेंज होती है जिस रेंज के अंदर आपको ये सारी चीज़ें करनी होती है, ठीक है, समझ आए आपको। कटारिया श्रद्धा पूछ रहे हैं कि सर वेब फ्लैंज साइज, फ्लैंज साइज और कंसंट्रेटेड लोड दिया हो तो डिजाइन लोड कैरिंग स्टिफनर कैसे सॉल्व करें, वेब की वेब साइज दे रखी है, फ्लैंज साइज दे रखी है और कंसंट्रेटेड लोड आपको दिया है, ठीक है, तो डिजाइन ऑफ लोड कैरिंग स्टिफनर कैसे, देखिए आपने अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया है तो मैंने वहां पर लोड कैरिंग स्टिफनर की आपको डिजाइन बताई, आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है, ठीक है। आप देखिए प्रीवियस लेक्चर को, आपने श्रद्धा हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा या नहीं देखा बोले मुझे ये बता दीजिए आप, तो मुझे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले मुझे आप रिप्लाई कर दीजिए कि आपने प्रीवियस लेक्चर को, प्रीवियस क्लास को अटेंड किया था या नहीं किया था, यस देखा था, तो फिर मैंने वहां पर जो है आपको लोड कैरिंग स्टिफनर का जो डिजाइन आपको बताया था, सॉरी जो मैंने आपको स्टेप बताए थे उसके अंदर, ठीक है, आपको वही फॉलो करना है, ठीक है, और उसको किस तरह से वहां पर तो जो हमने चेक किया था उसके अकॉर्डिंगली वहां पर आपको डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, ठीक है, लेकिन उसके चेक की तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। और मैं आप देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा स्मार्टली आप जाइएगा, जहाँ तक हो सके वहाँ तक वो सारी वैल्यूज़ तो उसके अंदर लोड कैरिंग स्टिफनर की आपको ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है आपको ज़्यादातर लोड बेयरिंग स्टिफनर की, ठीक है। तो लोड बेयरिंग स्टिफनर इसीलिए हमने एग्जाम्पल के अंदर डिटेल में समझा था कि लोड बेयरिंग स्टिफनर किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। लोड कैरिंग स्टिफनर के अंदर भी आपको क्या करना होता है कि जो हमने लोड बेयरिंग स्टिफनर में डिज़ाइन करने के लिए जो जो हमने स्टेप्स ले रखे थे वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है, इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। तो भाई हमने क्या देखा कि कटारिया श्रद्धा कह रहे कि सर 2017 में एक ऐसा एग्जांपल GTU में है, अच्छा ठीक है, ऐसा एग्जांपल GTU में है तो कोई इसमें देखिए मुश्किल नहीं है, ठीक है, सिंपल है, जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में कहा था बस उसी तरह से आपको आगे बढ़ना है, कोई नई चीज़ के अंदर आपको करने की ज़रूरत नहीं है खास, ओके। तो भाई आपको क्या करना है, अब यहाँ पर फोर्थ स्टेप के अंदर इंटरमीडिएट स्टिफनर के लिए मिनिमम वेब थिकनेस रिक्वायरमेंट जो भी होगी वो आपको प्रोवाइड करनी है, जो कि उसके सर्विसेबिलिटी और कंप्रेशन फ्लैंज जो भी दो चेक होते हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम करते थे एज इट इज़ चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी और चेक फॉर शीयर कैपेसिटी, ये भी दोनों एज इट इज़ रहेगी, ठीक है, इसके अंदर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप एक बार अपने आप से करिएगा, ओके, कोई दिक्कत कहीं आ रही हो तो आज जो रात में हम चालू करेंगे हमारे लेक्चर उसके अंदर आप मुझे कमेंट करके अपने जो भी डाउट या सवाल है आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, लेकिन आप एक बार आज इस एग्जाम्पल को सॉल्व ज़रूर करिएगा, ठीक है, पूरा दिन में जब भी आपको समय मिले तब आप इस एग्जांपल को सॉल्व करिएगा, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, ओके। मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से आपको फॉलो करनी है, बाकी आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको और ज़्यादा आइडिया अपने आप आ जाएगा, ओके।
तो आपने क्या करना है, मोमेंट कैपेसिटी चेक कर लेनी है। शीयर मोमेंट कैपेसिटी के अंदर आपको सेक्शन क्लासिफाई करना होता है, वो मैंने आपको बताया अच्छी तरह से कि सेक्शन किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, पेज नंबर 18 के ऊपर से, ठीक है। उसके बाद शीयर कैपेसिटी करनी है आपको चेक, तो वो भी हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल में जिस तरह से जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके किया था उसी तरह से आपको इसके अंदर भी करना है, ओके। और जो कंडीशन वहाँ पर हमने रिक्वायर्ड थी वो कंडीशन यहाँ पर करनी है, ठीक है। कंडीशन क्या थी कि भाई 0.6 वीडी जो है वो रिएक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपको स्टीफनर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है कंडीशन ये आ रही है कि आपकी जो 0.6 वीडी है वो रिएक्शन जो मैक्सिमम रिएक्शन था उससे कम आ रही है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टीफनर प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है, रिक्वायर्ड है यहाँ पर, तो आपको वो प्रोवाइड करने होगी। आगे उसकी डिज़ाइन किस तरह से करेंगे हम वो देखेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, शीयर बकलिंग बाद में वेब की डिज़ाइन चेक करनी है, जो हमने VCR वाला फॉर्मूला जो देखा था जिसके अंदर बहुत सारी मगजमारी हुई थी, ठीक है। तो VCR वाला फॉर्मूला आपको निकालना है, जो कि वैसे सिंपल फॉर्मूला था वो, ठीक है। अब देखिए चेंज यहाँ पर आता है, आप गौर कीजिएगा यहाँ पर आता है, क्योंकि हम यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टीफनर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इंटरमीडिएट स्टीफनर का मतलब क्या होता है कि ये आपका टॉप फ्लैंज है, ये आपका बॉटम फ्लैंज है, ठीक है, ये आपका एंड स्टीफनर है, ठीक है, ये आपका अंदर के इंटरमीडिएट स्टीफनर हो रहे, ठीक है। इस तरह से इसे हम इंटरमीडिएट स्टीफनर कह रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे एंड पैनल, ये आपका आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। इस तरह से इसे हम कहते हैं एंड पैनल, ठीक है। पैनल मतलब ये पूरा जो एक भाग होता है इसे हम पैनल कहते हैं, और इसे हम बाकी में कहते हैं इंटरमीडिएट पैनल्स, ठीक है, ठीक है। इसे हम एंड बेयरिंग कहेंगे, इसे हम इंटरमीडिएट स्टीफनर कहेंगे, ठीक है। इस तरह से ये सारे स्टीफनर्स होते हैं, ओके। तो इसमें देखिए आपको क्या करना होता है कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग क्या होगी इन स्टीफनर की, ये आपको निकालनी होती है, ठीक है। कि भाई ये जो आप स्टीफनर प्रोवाइड कर रहे हो, आपका जो 24 मीटर का स्पान है, मतलब 24,000 mm का जो स्पान है आपका, इसके अंदर आपको जो सेंटर टू सेंटर आपके जो स्पेसिंग होगी दो इंटरमीडिएट स्टीफनर के बीच का, दो आपके जो भी स्टीफनर यहाँ पे आपने प्रोवाइड कर रखे हैं उनके बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा वो कितना होना चाहिए, ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि कितने नंबर ऑफ स्टीफनर आपको प्रोवाइड करने हैं। नंबर ऑफ स्टीफनर आपको डिपेंड करते हैं स्पेसिंग के ऊपर से, ठीक है। तो इसकी जो स्पेसिंग जो होती है आपको यहाँ पर एक वैल्यू एज्यूम करनी होती है, ठीक है, सी बाय डी की वैल्यू आपको एज्यूम करनी होती है 1.3, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। जब भी आप स्पेसिंग के बारे में बात कर रहे हो इन स्टीफनर के अंदर, तो आपको सी बाय डी की वैल्यू 1.3 एज्यूम करनी होगी, ठीक है। कितनी एज्यूम करनी होगी, 1.3। इसमें जो सी होता है वो होता है आपका यहाँ पर सेंटर टू सेंटर स्पान, क्या होता है यहाँ पर, ये सेंटर टू सेंटर स्पान। तो अगर आपको सी निकालना है तो 1.3 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। डी आपको पता है, डी है क्या आपका, तो डी इज नथिंग बट द ये जो डेप्थ होती है आपके सेक्शन की, जो आपने पहले ऑप्टिमम डेप्थ ने निकाली थी, ठीक है। तो वो सेक्शन, वो डी आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसकी मदद से जो है इसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग मिलेगी। एक बार आपको सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग मिल गई यहाँ पर, ठीक है, तो आप नंबर ऑफ स्टीफनर कितने हैं, देखिए मान लीजिए आपकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो है वो 2000 आ रही है, कितनी आ रही है, 2000 आ रही है, और आपके पास जो है वो 24,000 mm यहाँ पर उसकी टोटल लेंथ है, तो 24,000 mm डिवाइड बाई 2000 कर दीजिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 12 स्टीफनर मिलेगी इस तरह से। तो ये होता है नंबर ऑफ स्टीफनर निकालने का सही तरीका, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा है तो मुझे आप बता दीजिए, ओके। तो आपको क्या करना है, ये इस तरह से निकाल लेना। उसके आगे एक चेक भी दे रखा है आपको क्लॉज नंबर 8.6.1.2 के अंदर, आपको वो भी चेक करना है। अच्छा, वीडियो को ज़्यादा लैग तो नहीं हो रहा है, बीच बीच में कहीं ज़्यादा थोड़ा बहुत लैग हो रहा है, ठीक है। वीडियो चलिए, तो इस तरह से आपको, ठीक है दर्शन, कोई बात नहीं, चलिए। तो इस तरह से आपको क्या है, स्पेसिंग निकाल लेनी। स्पेसिंग का चेक आपको जो है वो, बाबी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। अच्छा, थोड़ा, हाँ थोड़ा लैग हो रहा है, मैंने देखा इसलिए मैंने आपको पूछा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी लाइन पे आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चेक दे रखा होता है, वहाँ पर क्लॉज नंबर 8.6.1.2 के अंदर जाओगे आप 800 के अंदर, तो आपको वहाँ पर एक क्लॉज दे रखा है, डी बाई टी डब्ल्यू रेशियो वी शुड बी लेस देन 345, ओके। ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपने जो स्पेसिंग प्रोवाइड कर रखी है वो बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये, ठीक है। तो आपको स्पेसिंग प्रोविजन जो आपका होगा वो सही है या गलत है, इसे चेक करने के लिए इस क्लॉज का उसके अंदर सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये आप पहले चेक करना ज़रूरी है आपके लिए, ओके। एक बार आपने सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग वगैरह निकाल ली, चेक कर
लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से वही जो प्रोसेस हमने प्रीवियस एग्जांपल में की थी, ठीक है, VCR को निकालने की, टाउ CR, टाउ B वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फिर से रिपीट करनी है, फिर से दोहरानी है, जो कि आसान है, आपको IS कोड के अंदर ही पेज नंबर 60 के ऊपर दे रखी है, ठीक है। इसके अंदर कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, अगर होता है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, आपके लिए हम यहाँ पर हाजिर हैं। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये निकाल लेना है। अब देखिए VCR की जो कंडीशन थी मैंने आपको बताई थी, भाविन प्रजापति कह रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, डेफिनेटली यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस देन यू कैन सॉल्व इजीली। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही भाविन। देखिए क्वेश्चन ये था, हमने जो प्रीवियस एग्जांपल में जो क्वेश्चन सॉल्व किया था कि आपको एक वेल्डेड प्लेट गर्डर सॉल्व करनी डिज़ाइन करनी है, ठीक है, वेल्डेड प्लेट गर्डर डिज़ाइन करनी है, लेकिन वहाँ पर आपको अनस्टीफन थी, विदाउट स्टीफनर करनी थी, यहाँ पर आपको विथ इंटरमीडिएट स्टीफनर डिज़ाइन करनी है, सेम प्लेट गर्डर आपको विथ इंटरमीडिएट स्टीफनर डिज़ाइन करनी है, ठीक है लिंगो। तो आपको ये सवाल है यहाँ पर, और वैल्यू सारे आपके प्रीवियस एग्जांपल की है जो हमने ऑलरेडी आपको लिखा की है। चलिए तो अब आप देखिए VCR की जो कंडीशन थी वो क्या होनी चाहिए थी, VCR की कंडीशन ये होती है कि भाई आपका जो VCR होता है वो मैक्सिमम शेयर फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, अगर आपको स्टीफनर प्रोवाइड नहीं करने हो तो। अगर आप यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, अगर हम ये कहते हैं कि भाई जो रिक्वायर्ड वहाँ पर जो मैक्सिमम शेयर फोर्स है वो VCR से ज़्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको स्टीफनर प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये सवाल सॉल्व करना है, इंटरमीडिएट स्टीफनर की ज़रूरत उसके अंदर ऑब्वियसली आपको पढ़नी है। ओके चलिए, तो इस तरह से ये चेक करना है आपको। अब जब आपको इंटरमीडिएट स्टीफनर की ज़रूरत पड़ेगी उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, बकलिंग स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, तो आपको अब क्या करना होगा कि जो आपके एंड पैनल्स है, क्योंकि आपने स्टीफनर प्रोवाइड कर रखी है यहाँ पर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, तो यहाँ पर जो एंड पैनल है, एक एंड पैनल इधर से होगा, सिमिलरली एक एंड पैनल दूसरे एंड से होगा, ठीक है, तो उनकी जो कैपेसिटी है एंकर फोर्सेस की, शीयर कैपेसिटी जो होती है एंड पैनल के ऊपर, जो शीयर कैपेसिटी होगी वो आपको निकालना है। अब ये स्टेप आप अपने अंदर से अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है, अपनी नोटबुक के अंदर जो भी ये ऐड हो रहे हैं सारे स्टेप आप लिखोगे। अभी आपको भाविन ने कहा कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, स्टेप लिखते रहिएगा, ठीक है। आप एटलीस्ट एग्जाम के अंदर स्टेप को बोल्ड तरीके से, बिल्कुल हाईलाइटेड तरीके से वहाँ पर लिखोगे, और उसके अंदर थोड़ा बहुत भी लिखोगे आप, अगर थोड़ा जो जितना भी आपको याद होता है IS कोड की मदद से वगैरह कहाँ कैसे भी, तो भी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे थोड़े बहुत, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे थोड़े बहुत, बेशक ये मुश्किल है एग्जांपल, थोड़े लेंदी है, इसको सॉल्व करना बहुत थोड़ा आपके लिए दिक्कत हो सकती है इसके अंदर, लेकिन स्टेप लिखोगे थोड़ा बहुत भी इसके अंदर, अगर एक दो स्टेप एक दो लाइन अगर लिख दोगे स्टेप लिखने के बाद, तो भी उसके आपको मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो इस तरह के एग्जांपल को पूरी तरह से याद रख पाता होगा या फिर सॉल्व कर पाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो आपको जुगाड़ करना है। ओके, ये आपका टैलेंट होना चाहिए जुगाड़ करना। ओके चलिए, तो शेयर कैपेसिटी के लिए आपको पैनल के लिए चेक करना होता है, तो इसके लिए जो है आपको IS कोड ने एक प्रोविजन दे रखा है पेज नंबर 62 के ऊपर। इसके लिए हर एक स्टेप के सामने आप IS कोड का पेज नंबर लिख लीजिएगा, जो भी स्टेप हमने आपको लिखा है उनके जो भी पेज नंबर होते हैं वो पेज नंबर आप उस स्टेप के आगे लिख लीजिएगा, ताकि आपको फिर बाद में एक आपके माइंड में वो पेज नंबर फिट हो जाए कि अगर ये स्टेप था तो आपको ये पेज नंबर पे जाना है, ठीक है, और ये आपको लिखने से और प्रैक्टिस करने से ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर शेयर कैपेसिटी ऑफ एंड पैनल जो है उसके लिए आपको पेज नंबर 62 के ऊपर जाना है। पेज नंबर 62 के ऊपर देखिए आपको RTF और MTF दो फॉर्मूले दे रखे हैं, ठीक है, ठीके? आपको ये दोनों निकालने हैं, इसके लिए आपको चेक करना है, और इनके अंदर जो टर्म्स यूज होने वाली है HQ वगैरह ये भी आपको उसके बारे में वहाँ पर स्पष्ट तरीके से दे रखा है कि आपको HQ क्या है, VP क्या है, ठीक है, सारी वैल्यूज आपको पता है वहाँ पर। ओके, वहाँ पर उसके अंदर सारी वैल्यूज रखोगे तो आपको पता चलेगा, इसके अंदर नई चीज़ कुछ नहीं है, ठीक है, नई चीज़ के अंदर जो है वो कुछ नहीं होती है, ठीक है, वही जो आपके एरिया है, डेप्थ है, फ्लैंज की विड्थ है, वो वही चीज़ है, ठीक है, इसके अंदर VCR है। ओके, VP जो है नई टाइम ऐड हो रही है, VP की वैल्यू DT FY डिवाइड बाय √3, D मतलब डेप्थ हो गई, T मतलब थिकनेस हो गई, FY मतलब उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है 250 वो हो गई, ठीक है, इसके अंदर कुछ नया नहीं था। ओके, ये जो RTF का जो फॉर्मूला था HQ वाला, ठीक है, तो HQ की वैल्यू जो 1.25 इंटू VP VCR डिवाइड बाई VP, तो सारे टर्म्स आपके फैमिलियर है। ओके, सारे टर्म्स आपने यहाँ पे रखनी है और कैलकुलेट करना है VD की वैल्यू, VD जो है आपका RTF से ज़्यादा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू IS कोड, ठीक है, अगर ज़्यादा है तो ये एंड पैनल आपका कैरिंग कैपेसिटी इसकी बिल्कुल सही है, ठीक है,
अगर कम है तो आपको एंड पैनल को चेंज करना होता है, ठीक है, उसकी साइज़ को लेकर मोमेंट कैपेसिटी उसकी चेक करनी है, ठीक है। आपने पहले एंड कैप पैनल की शीयर कैपेसिटी चेक कर ली, उसके बाद आपको मोमेंट कैपेसिटी, देखिए कोई भी आप प्रोविजन कर रहे हो सेक्शन का तो वहाँ पर आपको दो चेक तो बनते ही आपके, एक तो मोमेंट, अगर आप मोमेंट आ रही है तो मोमेंट चेक करना ज़रूरी होता है, अगर वहाँ पर शीयर आ रही है तो आपको शीयर भी चेक करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये आपको स्टैंडर्ड होते हैं, आपको समझ आने चाहिए कि किस चीज़ के लिए आपको क्यों कौन से चेक करने होते हैं, ओके। मोमेंट कैपेसिटी के लिए आपको MTF का फॉर्मूला दे रखा है उसी पेज नंबर के ऊपर, MTF का इस्तेमाल करना है, HQ आपको फिर से फाइंड आउट करना है, HQ आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है प्रीवियस स्टेप के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें निकालनी है, ओके। MQ जो है आपका, हाँ आपको MQ निकालना होता है, MQ की जो मोमेंट कैपेसिटी ऑफ जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर Z(Fy)γm0, उसके अंदर भी सारी चीज़ आपको पता है, उसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी होगी आपको, ठीक है। सुपर सेट करूँ तो एरर आवे छे, एरर क्यों आ रहे पता नहीं, जो यूट्यूब की तरफ से बग होगा या फिर आपका जो भी क्रेडिट कार्ड या फिर कोई मेथड होगा उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है, ये तुम्हारे बस के बाहर है, ओके। एरर में कुछ लिखा आ रहा है कि किस तरह आपका एरर आ रहा है, क्या कुछ लिखा आ रहा है, जो कुछ लिखा आ रहा है तो मुझे बताइए क्या लिखा आ रहा है, तो हम उसका समाधान आगे आपको बताते हैं कुछ, ठीक है। चलिए, तो मोमेंट कैपेसिटी ऑफ एंड पैनल जो है वो आपको निकालनी है, बाद में मोमेंट कैपेसिटी ऑफ एंड पैनल और जो रिक्वायर्ड मोमेंट है उसको आप रिलेट कीजिए और देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है देन इट इज़ वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें करनी है यहाँ पर, ओके। आखिर में जो है आपको डिज़ाइन ऑफ एंड बेरिंग स्टिफनर एट ए, आप देखिए यहाँ पर जो है इसे हम नाम दे रहे ए, इसे हम नाम दे रहे बी, इसे हम नाम दे रहे सी, इस तरह से आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ए जो है वो एंड बेरिंग स्टिफनर है और बाकी की जो है वो इंटरमीडिएट स्टिफनर है, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना होगा, एक एंड बेरिंग स्टिफनर को, क्योंकि दोनों कंडीशन अलग होती है, इंटरमीडिएट के लिए कंडीशन अलग होगी और एंड बेरिंग के लिए अलग होगी, तो आपको दोनों को अलग अलग से ही इसके अंदर डिज़ाइन करना होता है। तो एंड बेरिंग स्टिफनर को आपको डिज़ाइन करना होता है। अब एंड बेरिंग स्टिफनर का डिज़ाइन करने का तरीका आपका मैंने जो बताया था आपको वही होगा, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़े फोर्सेस को आपको पहले कलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके अंदर जो ये टोटल, क्योंकि ये कंप्रेशन में होगा, आपको टोटल कंप्रेशन फोर्स इसका निकालना होगा, ठीक है। टोटल कंप्रेशन फोर्स जो होगा आपको, वो रिएक्शन जो होगा मतलब उसके अंदर वो कितना होगा, तो टोटल रिएक्शन होगा आपका ऊपर जो आ रहा था 940 आ रहा था, ठीक है, 940.8 समथिंग आ रहा था अगर आपको याद है तो, ठीक है। और आपको रिएक्शन निकालना होगा MTF/C करके, ये आपको दे रखा है, ठीक है, रिएक्शन एंड बेरिंग स्टिफनर को लेकर अगर आपको यूज़ करना है इंटरमीडिएट स्टिफनर के लिए, ठीक है। तो वहाँ से आप टोटल शीयर फोर्स निकालोगे, अगर आपके पास बुक है तो आप अच्छी तरह समझ रहे होगे मेरी बातों को, जिसके पास बुक नहीं है उसके सारी चीज़ें ऊपर से जा रही होगी, ओके। तो इस तरह से आपको जो है पहले फोर्स निकाल लेना है, उसके बाद FPSD का फॉर्मूला होता है, FQSD का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। प्रीवियस एग्जांपल में हमने सारी चीज़ें कर रखी है, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि FPSD क्या होता है, किस तरह से वैल्यूज़ निकाली जाती है, ठीक है, कंडीशन क्या होती है, और उसके बाद जो है साइज़ आपको उसके अंदर उसकी फ़िक्स करनी होती है। मैंने आपको बताई थी साइज़ जो है आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जैसे कि 220x10mm या फिर 200x8mm, जो भी आपको साइज़ नक्की करनी है आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। साइज़ के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 200 के आसपास वहाँ पर जो भी साइज़ होती है वो नक्की कर सकते हो, और उसी के बेसिस पर आगे आपको चेक भी करना होता है कि जो अपने साइज़ प्रोवाइड की है वो सही है या नहीं है, ठीक है, एरिया के बेसिस पर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। बाद में उसको आपको आउटस्टैंडिंग लेंथ भी चेक करनी होती है कि उसका जो आउटस्टैंडिंग लेंथ होती है बाहर की वो कितनी होनी चाहिए, तो आपको मैंने बताया था पेज नंबर 65 पे ऊपर एक प्रोविज़न दे रखा है 20TQ Epsilon करके, ठीक है, अगर आपको पता है याद है तो 20TQ Epsilon करके आपको उसकी आउटस्टैंडिंग मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग भी दे रखी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपकी जो विड्थ है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको प्रोविज़न वहाँ पे दे रखा है। उसके बाद आपको एक बकलिंग चेक करना होता है, उसका बकलिंग चेक भी आपको पेज नंबर 66 पे दे रखा है, ठीक है। बकलिंग चेक क्या होता है आपका, वहाँ पर जो PD जो होती है आपकी, ठीक है, वहाँ पर एरिया, इफेक्टिव एरिया इंटू FCD का, FCD किस तरह से निकालना है आपको मैंने ये भी बताया है, पेज नंबर 42 के ऊपर जाना है 9C के अंदर, ठीक है, FCD, और उसकी वैल्यू डिपेंड करती है KL/R के रेशियो पर, इसके लिए आपको R निकालना होगा, RYY, ठीक है, उसके बाद आपको KL निकालना होगा। तो ये सारे जो झंझट है ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ऊपर ओवरव्यू दे रहा हूँ, जैसे कि मुझे कल दर्शन पटेल ने कहा था कि सर ऊपर ऊपर बता दीजिएगा, इसलिए मैं ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, ज़्यादा हम डीप में नहीं जा रहे हैं, कैलकुलेशन इसके अंदर ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल बहुत ज़्यादा लेंदी है, अगर मैं इसी तरह समझाऊंगा आपको या कैलकुलेट करने लगूंगा तो फिर से आज 2 घंटे की क्लासेस आराम से निकल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू दर्शन पटेल, आपने 30 रुपये का सुपर चैट किया है, और मैं बाकी लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि सीखे कुछ दर्शन पटेल से, ठीक है,
कुछ सीखो दर्शन पटेल से। तो भाई चलिए इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर बकलिंग के लिए चेक करना है। ओके, आपको क्या करना है, बकलिंग के लिए इस तरह से चेक करना होता है। और बकलिंग का जो फॉर्मूला है वो आपको पेज नंबर 66 पे दे रखा है। इसके अंदर कोई डाउट हो, कोई शिकायत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब आपको लोड बियरिंग स्टीफनर जो ए पर होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। चेक फॉर स्टीफनर एट लोड बियरिंग। अब देखिए इसके अंदर चेक फॉर स्टीफनर जो है, चेक द स्टीफनर एज लोड बियरिंग आफ्टर लोड बियरिंग स्टीफनर एट ए, ए के ऊपर वो लोड बियरिंग स्टीफनर का लिए आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो उसके लिए भी आपको देखिए पेज नंबर 67 के ऊपर प्रोविज़न है, और ये कोई चीज़ नहीं है। ये हमने जब प्रीवियस एग्जांपल के अंदर डिस्कस किया था लोड बियरिंग स्टीफनर के चेक वगैरह, तो वहाँ पर मैंने ये आपको ये चेक करवाया था एक, ठीक है, जो आपको शायद पता होगा FPSD को लेकर, FPSD को लेकर मैंने आपको एक चेक करवाया था जिसके अंदर हमने नेट शियर फोर्स वगैरह निकाला था, ठीक है। तो वो आप स्टेप देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। ओके, इसके अंदर फिर भी आप देख लीजिएगा एक बार। मैं आपको फिर बता दूं कि जो लोग अभी देख रहे हैं वीडियो को, तो ये जो एग्जांपल मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूं अभी, ठीक है जी, एग्जांपल जो मैं आपको बात कर रहा हूं, वो एग्जांपल आप एक बार अपने आप से खुद से पूरे दिन में आपको जब भी टाइम मिले एक बार ज़रूर देखिए, एक बार ज़रूर अपने नोटबुक के अंदर इसे लिख कर प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, ठीक है। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे रात वाला जो हमारा सेशन होगा रात 10 बजे, आप वहाँ आके मुझे पूछिएगा ताकि आपके हर एक डाउट हम क्लियर कर पाए। ओके, इसे एक बार अपने आप से सॉल्व ज़रूर करिएगा कि तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। बाद में आपको क्या करना है कि भाई ये आपने डिज़ाइन चेक फॉर स्टीफनर एज लोड बियरिंग स्टीफनर कर लिया, उसके बाद आपको डिज़ाइन ऑफ इंटरमीडिएट स्टीफनर, आपने एंड बियरिंग स्टीफनर आप इसकी बात खत्म हो गई, ठीक है। अब आप बात आती है इंटरमीडिएट स्टीफनर के अंदर वाले जो बीच वाले जो स्टीफनर होते हैं वो, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना होता है कि चेक फॉर इंटरमीडिएट स्टीफनर के लिए आपको यहाँ पर वो जो पेज नंबर 66 पर जाओगे आप, तो आपको वहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है, IS इज इक्वल टू 1.5 DQ × TW³/C³, ठीक है। वो आपको फॉर्मूला दे रखा होता है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टीफनर का मिनिमम स्टीफनर आपको दे रखा है, ठीक है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टीफनर वहाँ पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से इसका जो है क्रॉस सेक्शन लेना है। आप क्रॉस सेक्शन आप इसका भी 200 या 200/12 ही ले सकते हो, या फिर आप जो भी आपको इसके अंदर प्रीफरेबल लगता है जो आप ले सकते हो, जो आपके माइंड में आता है वो आप यहाँ पर स्टीफनर का सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो। बाद में जब चेक करोगे तो आपको उसके अंदर पता चल जाएगा कि आपने जो सही लिया है या नहीं लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके चेक के ऊपर, लेकिन आप रेज्यूम तो कोई भी कर सकते हो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 100 के आसपास ही करना है, 120 ही करना है या फिर 130 ही करना है, आपसे आप 150 करो 200 करो आपकी मर्जी है, ठीक है। कोई गलत आपको नहीं कहेगा कि आपने ये सेक्शन गलत सेलेक्ट कर रखा है, कब तक, जब तक वो चेक के अंदर फेल ना हो जाए, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये सिलेक्ट करने हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है जो सेक्शन आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद उसकी जो आउटस्टैंडिंग लेंथ होगी वो आपको चेक करना है, ठीक है, 14 DQ को लेकर, ओके। और ये सारी चीज़ आपको देखिए मैंने ऑलरेडी आपसे पूछ रखी है, बात कर रखी है कि किस तरह से एक एक चीज़ें आपको फॉलो करनी है हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर। अक्षर वेरी गुड, थैंक यू अक्षर, आपने भी योगदान दिया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, थैंक यू सो मच। और सीख रहे हो आप कभी सभी लोग, काफ़ी लोग सीख रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सीखते रहिए इसी तरह से, औरों को भी मोटिवेट करते रहिएगा। चलिए, तो इन शॉर्ट आज का दिन अच्छा है, मतलब ठीक है, हम ये समझे। तो भाई देखिए आपको डिज़ाइन ऑफ इंटरमीडिएट स्टीफनर के लिए ये सारी कुश्ती खेलनी पड़ेगी। मिनिमम स्टीफनर की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आपको निकालना है, बाद में आपको एक सेक्शन सेलेक्ट करना है, उस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। उसके बाद उन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको कंपेयर करना है कि जो आपका रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उससे ज़्यादा आपने सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया है या नहीं लिया है। अगर लिया है तो ठीक है, ठीक है, नहीं लिया तो आपको सेक्शन फिर से उसका चेंज करके दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया नया निकालना होगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है। उसके बाद आपको चेक फॉर आउटस्टैंड विड्थ उसकी करनी होगी, जो कि पेज नंबर 65 के ऊपर आपको दे रखा है। उसके बाद आपको बकलिंग चेक करना होगा, उसका जो भी आपने इंटरमीडिएट स्टीफनर ले रखा है वो बकल होगा या नहीं होगा उसके लिए आपको चेक करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपका यहां पर एक प्रोविजन दे रखा है, ठीक है। बकलिंग रेजिस्टेंस के लिए आपको 8.7.1.5 के अंदर जाओगे आप, तो बकलिंग रेजिस्टेंस के अंदर ये आपको फॉर्मूला दे रखा है FQD करके। FQD के अंदर जाओगे आप तो देखिए FQD का फॉर्मूला होता है FCD into एरिया,
ठीक है, मतलब एरिया इंटू FCD, एरिया आपको निकालना है। FCD के लिए आपको कुश्ती खेलनी होती है कि भाई FCD का जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि KL/RY का रेशियो कितना है, ठीक है, KL/RY के रेशियो पर डिपेंड करती है। तो आपको इसके अंदर RY1 निकालना होता है, KL निकालना होता है, उसके बाद आपको जाना होगा पेज नंबर 42 के ऊपर, टेबल नंबर 9C के अंदर, वहाँ पर जाके आपको FCD की वैल्यू निकालनी है इंटरपोलेट करके, ठीक है, जो भी आपका डिफरेंस निकाल होगा। और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन अब आ चुके होंगे। कितने लोगों को इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन आते हैं, यस और नो? अगर आपको आता है तो यस लिख लीजिए, नहीं आता है तो नो लिख लीजिए। कम ऑन, चलिए बहुत खूब, दीपक शर्मा वेरी गुड, वेरी गुड मिहिर पटेल, मतलब सभी को आता है ऑलमोस्ट, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, डिज़ाइन ऑफ इंटरमीडिएट स्टीफनर के लिए सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, ओके। और देखिए यहाँ पर आपको आगे का, अगर आपके पास बुक है तो आगे यहाँ पर लिखा है हैंस स्टीफनर इज सेफ अगेंस्ट बकलिंग, उसके बाद का जो पोर्शन है एज पर क्लॉज 8.7, ये सारी जो कथा कर रखी है ये बिल्कुल व्यर्थ है। इसको आपको एग्ज़ाम के अंदर लिखने की या फिर अभी साथ साथ पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप अगर इसे नहीं पढ़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे नेगलेक्ट कर दीजिएगा पूरी तरह से, अपनी बुक के अंदर ही पेंसिल से उसके अंदर बिल्कुल एक क्रॉस निशान कर दीजिए कि आप ये समझो कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा दे रखा है, ठीक है। तो वहाँ पर उसे आप नेगलेक्ट कर दीजिएगा, ज़्यादा बर्डन आपको लेना नहीं है, ओके। जितना हो सके उतना आपको ऑप्टिमाइज़ करके पढ़ना है, ऑप्टिमाइज़ करके समझना है, ओके। तो उन सारी चीज़ों को आप नेगलेक्ट कर दीजिएगा। तो बस आपका जो आखिरी स्टेप था इसके अंदर वो यही था कि भाई डिज़ाइन ऑफ इंटरमीडिएट स्टीफनर किस तरह से किया जाता है। डिज़ाइन आपने कर लिया, उसके अंदर सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, सेक्शन सेलेक्ट किया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पर, ठीक है। सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, बकल चेक कर लिया, ठीक है, सारी चीज़ कर लिया आपने। उसके बाद अगर बकलिंग के अंदर वो सेफ है देन इट इज़ ओके, आपका इंटरमीडिएट स्टीफनर यहाँ पे डिज़ाइन हो चुका है, ठीक है। इतना ही आपको इसके अंदर फॉलो करना है, दैट्स इट, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ रही है आपको बात है, यस और नो? आपको समझ आई यहाँ तक, यस और नो? जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि भाई ये जो एज पर क्लॉज 8.7.2 है इसे करने की ज़रूरत नहीं है, कितने लोगों को ये समझ में आ गई है? चलिए बहुत खूब, वेरी गुड, ठीक है। अब आपके वही फिर आपको फ्लैंज के लिए और वेब के लिए कनेक्शन करना है वेल्ड का, ठीक है। उसके बाद आपको स्टीफनर के लिए कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन के जो स्टेप होते हैं वो तो वही रहेगा, आपको पहले रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ निकालनी होगी, वेल्डेड वेल्ड जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ निकालनी होगी। अगर वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से वेल्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है तो आपको फिर उसके अंदर कितने mm की वेल्ड के लिए कितनी स्पेसिंग रखनी होगी वो निकालनी है, ठीक है। बाद में आप उससे स्पेसिंग के हिसाब से उस वेल्ड को प्रोवाइड कर दोगी। तो यही तरीका होगा जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, ओके। अब आपको आइडिया होगा वेल्ड किस तरह से प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। कितने लोगों को पता है कि वेल्ड किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है? कितने लोगों को ये लगता है कि हमें वेल्ड एक बार और पढ़ना चाहिए, मतलब ये कनेक्शन आपको एक बार फिर से मैं समझाना चाहिए वेल्डेड का? कितने लोगों को कन्फ्यूजन डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि वेल्ड जो होता है एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। क्योंकि वेल्ड आपका नक्की करता है सामने वाले को ये परसेप्ट करने के लिए कि हाँ इसने बंदे ने जो है वो पूरा एग्जाम्पल सॉल्व कर रखा है, क्योंकि वेल्ड जो है आखिरी एक स्टेप होता है, ठीक है। और एक आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जब भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो एग्जाम्पल के अंदर देखिए, मान लीजिए आपको एक बहुत ही लेंथी क्वेश्चन दे रखा है, आपको मान लीजिए एक बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन दे रखा है, और उस क्वेश्चन के अंदर आप नहीं चाहते हो कि आप पूरा सॉल्व करो क्योंकि आपके पास समय इतना नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपको क्या करना है कि जो हम कन्वेंशनल हमारे स्टेप होते हैं, सबसे पहले लोड कैलकुलेशन, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, उसके बाद सेक्शन सिलेक्शन, ठीक है, यहाँ तक आपको कर लेना है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपका स्टीफनर आप प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आपको लोड बेयरिंग स्टीफनर, लोड कैरिंग स्टीफनर आपको चेक कर लेना है, जो कि बहुत सिंपल है, दोनों चेक कर लिया आपने, और आगे आपको अगर कुछ नहीं करना है तो आप फ्लैंज और वेब का वेल्ड कनेक्शन प्रोवाइड कर दीजिए। क्या करिए आप? फ्लैंज और वेल्ड वेब का वेल्ड कनेक्शन प्रोवाइड कर दीजिए। अगर ये आपका आखिरी स्टेप आ गया तो भी आपको 10 अप मार्क्स इसके आराम से मिल जाएगा। अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि आपको एक वेल्डेड प्लेट गर्डर डिज़ाइन करनी है जिसके अंदर आपको जो है हर एक चीज़ निकालनी है, मतलब अगर सवाल में पूछा गया कि भाई आपको इंटरमीडिएट स्टीफनर प्रोवाइड करना है या फिर आपको स्टीफनर एंड बेयरिंग स्टीफनर प्रोवाइड करना है या फिर जो भी आपके आपको सवाल में दे रखा है, लेकिन आपको पूरा ऐसा एग्जांपल उनके हिसाब से सॉल्व नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से करना है, तो आप इस तरह से जा सकते हो कि आपने क्या किया भाई, जो पहले आपके सिंपल स्टेप होते हैं, ठीक है, वो आपको निकाल लेना है, लोड बेयरिंग लोड कैरिंग तक निकाल लेना है आपको, टॉर्शनल रेजिस्टेंस भी आप कर सकते हो, ठीक है, मुश्किल नहीं है, IS code में दे रखा है आपको। उसके बाद आप सीधे क्या करोगे, वेल्डेड कनेक्शन बिटवीन वेब और प्लेट निकाल लीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो
तो अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई अपने आप को कर ले, अपने आंसर को कर ले, ठीक है, ताकि सामने वाले को एक परसेप्शन होना चाहिए कि इसने काफ़ी हद तक एग्जाम्पल को सॉल्व कर रखा है, आप अधूरा कहीं एग्जाम्पल को छोड़ के ना आए, ठीक है। एक चीज़ का खास आपको ध्यान रखना होगा, ओके। तो देखिए ये हो गई बात हमारे इस प्लेट गर्डर के अंदर कि भाई दो तरह के हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए, एक तो हमने कल डिस्कस किया था पूरे दिन में, ठीक है, और आज हमने जो ऊपर ऊपर से देखा है इसके अंदर। अगर आपको लगता है कि हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करने की ज़रूरत है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है। मैं आपसे एक बार निवेदन करूँगा, ठीक है, अनुरोध करूँगा कि आप इस एग्जाम्पल को एक बार आज रात में जो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे उससे पहले इस एग्जाम्पल को एक बार सॉल्व करके ज़रूर आइएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आपको पता चले और आप हमें रात में बता सके और हम उसे आपको सॉल्व करवा सके, ठीक है। ये आपका प्लेट गर्डर को लेकर हो गया। अब देखिए प्लेट गर्डर यहाँ पर ख़त्म होती है, बोल्टेड के बारे में हम बात नहीं करने वाले क्योंकि बोल्टेड एग्जाम्स के अंदर पूछी नहीं जाती है ज़्यादातर, तो हम वेल्डेड की बात करेंगे। अब मुझे आप ये बताइए कि आपका सबसे पहला पेपर जो आपका सीएम का पेपर था वो कब से है, डेट बताइए मुझे, कौन सी तारीख से आपका पहला। नाइन्थ, ठीक है। अब देखिए हमारे पास समय कितना है, मैं आपको बता दूं, आज सेकंड दो तारीख आ गई, ठीक है, तो दो से आज चल लीजिए, आज की लेक्चर अगर रात का लेक्चर हम पकड़ ले तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपके पास ले देखिए, अब जो है पूरे 8 दिन बचते हैं, कितने 8 डेज बचते हैं, लेकिन उसमें से आपको 2 दिन पहले उसको छोड़ देने होगी, क्यों, सीएम की तैयारी वगैरह करने के लिए, ठीक है, 2 दिन ठीक है आपके लिए। तो हमारे पास 6 दिन बचते हैं, देखिए 6 दिन के अंदर हम 3 सब्जेक्ट 3 टॉपिक्स को लास्ट 5 डेट तक है, अच्छा लास्ट 5 डेट तक है, ठीक है, तो मतलब आपको अभी 5 दिन बाकी है। तो देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि अब हमारे पास 3 चैप्टर बचे हैं, एक तो गेंट्री गर्डर है, एक फुटओवर है और डिज़ाइन ऑफ प्लास्टिक सेक्शन है। गेंट्री गर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फुटओवर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लास्टिक डिज़ाइन भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको तीनों तीन आने चाहिए। कितने लोगों का प्लास्टिक डिज़ाइन, गेंट्री गर्डर और फुटओवर बिल्कुल नहीं हुआ है? हाँ मासी सर, 2 लेक्चर गेंट्री गर्डर की हो तो आज गेंट्री गर्डर स्टार्ट करो। देखिए अभी तो हम गेंट्री गर्डर स्टार्ट नहीं करेंगे, आज रात में हम गेंट्री गर्डर स्टार्ट कर देंगे, आज रात में आपको गेंट्री गर्डर के हो सके तो हम एग्जांपल भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सर कैन यू एक्सप्लेन एग्जाम्पल 3 इन शॉर्ट? एग्जाम्पल 3 आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। अच्छा बाकी कितने लोग हैं जो एग्जाम्पल 3 को समझना चाहते हैं? ये टेंशन फिल मेथड का लेकर यूज़ किया है इन्होंने, ठीक है। देखिए आपको टेंशन फिल मेथड, आप अगर आईएएस कोड में जाओगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पर जो 2 सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड होता है और टेंशन फिल मेथड होता है, ठीक है, ये मुझे तन्वी ने सवाल पूछा था, तो तन्वी सुन लीजिए, आप आईएएस कोड में जाइए, सारे जो स्टेप्स होते हैं ना वो आपके सेम रहेंगे, फिर पेज नंबर 59 के ऊपर जाइए और जहाँ से यहाँ पर टेंशन फील्ड मेथड आपको अप्लाई करना है वहाँ से ये एग्जांपल चेंज हो जाएगा और उसके अंदर आपको क्या करना है, तो देखिए सारे स्टेप्स आपको उस पेज नंबर के अंदर टेंशन फील्ड के अकॉर्डिंग, जैसे हमने सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड था उसके लिए आपको एग्जांपल दे रखे थे VCR करके, सारे जो सॉल्यूशन आपको दे रखे थे, फॉर्मूलेस दे रखे थे आपको, वो सारी चीज़ें उसी तरह से टेंशन फील्ड मेथड के लिए भी दे रखे, ठीक है, तो वहाँ पर एक बार देखिए आप टेंशन फील्ड मेथड के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, VN = VTF होता है, ठीक है, वो आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है, ओके। वैल्यूज़ के अंदर देखिए आपको पता ही होती है, वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें निकाल रखी है, ठीक है, कि भाई AV क्या होता है, TAU B क्या होता है वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। इसके अंदर कुछ नई टर्म्स ऐड, एक बार आप अपने आप से सॉल्व करिए, इसे सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे आज रात के लेक्चर के अंदर बता सकते हो, ठीक है, ये आपके लिए मैं समय दे रहा हूँ, एक बार अपने आप से सॉल्व कर लीजिए, इसे थोड़ी आप मेहनत कर लीजिए। देखिए खुद से जो करी हुई चीज़ होती है, ठीक है, वो बहुत यूज़फुल होती है और बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है, तो तन्वी एक बार आप देख लीजिएगा उसे, एक बार रिलेट कर लीजिए IAS कोड से उस मेथड को, उसके अंदर जो फॉर्मूला है बस वही आपको रखना है, नहीं कोई चीज़ उसके अंदर है नहीं, ओके। हाँ तो काफ़ी लोगों ने सारे बहुत सारी बातें कर ली है, देख लेते। मीर कह रहे कि सर प्लास्टिक पहले रखूं, ओके। सर दीपक कह रहे कि सर मेरा नहीं हुआ है 3 में से कुछ भी, तो कोई बात नहीं दीपक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम तीनों तीन कवर करने की कोशिश करेंगे और कवर हो जाएगा, ठीक है, 5-6 दिन में तो आराम से।
जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। गैंट्री गर्डर के लिए देखिए, एक लेक्चर मुझे उसका आपको इंट्रोडक्शन या फिर ओवरव्यू या फिर स्टेप लिखवाने में चाहिए, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं स्टेप लिखाए बिना अगर आपको एग्जांपल करवा दूँ तो भी ठीक है, क्योंकि गैंट्री गर्डर कितना मुश्किल है, आपने प्लेट गर्डर कर लिया एक बार, तो गैंट्री गर्डर और प्लेट गर्डर समहाउ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, आज रात हो सके तो एग्जांपल ही डिस्कस कर लेंगे गैंट्री गर्डर का, ठीक है। आज आधा एग्जांपल सॉल्व करेंगे, कल सुबह जो उसको खत्म कर देंगे, गैंट्री गर्डर को अपन कल सुबह खत्म कर देंगे। मीर देखिए, मैं आपको बता दूँ, मीर कह रहे हैं कि सर प्लास्टिक रखो तो गैंट्री गर्डर और फुट ओवर की ऑप्शन के ऑप्शन में आज जाए तो अच्छा रहेगा। मतलब मिहिर कहना चाह रहे हैं कि प्लास्टिक रखो तो गैंट्री गर्डर और फुट ओवर के ऑप्शन में आ जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए होता क्या है, अगर आपने एग्जाम पैटर्न देखे होगे, अगर क्वेश्चन पैटर्न मिहिर देखे होगे आपने, तो आपको पता चला होगा कि होता क्या है कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और गैंट्री गर्डर ये दोनों के और में होते हैं, और प्लेट गर्डर और फुट ओवर ये दोनों के और में होते हैं, ठीक है। तो प्लेट गर्डर आप एक काम करते हैं, यहाँ पर एक आपको मैं एक चीज़ करवाता हूँ कि आप आज हम जो है गैंट्री गर्डर सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम गैंट्री गर्डर के बाद प्लास्टिक डिज़ाइन कर लेंगे, ये सही रहेगा मीर? मीर क्या कहते हो? दर्शन भी कह रहे हैं कि प्लास्टिक डिज़ाइन रखो, दर्शन प्लीज़ कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए मीर भाई, गैंट्री गर्डर नो फर्स्ट एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो मुझे भी पता है। और हर एक जगह इन सारी चीज़ों को कोई बंदा अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा, ठीक है। आपको अंडर एस्टिमेट कुछ नहीं करना है, हर एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, हर एक चीज़ को अपना खुद का उसका इंपॉर्टेंस देना है। सर प्लास्टिक डिज़ाइन करवा दो, चलो ठीक है। काफ़ी लोग जो है प्लास्टिक डिज़ाइन कर रहे हैं, प्लास्टिक डिज़ाइन की डिमांड कर रहे हैं, तो अपन प्लास्टिक डिज़ाइन कर लेंगे। तो आज रात हम क्या करेंगे, प्लास्टिक डिज़ाइन को स्टार्ट कर देंगे, और बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल है। तो अपन आज रात को प्लास्टिक डिज़ाइन कर लेंगे, हो सके तो दो लेक्चर में ख़त्म कर देंगे इसे, ठीक है, आज रात और कल सुबह, ठीक है। और जितना हो सके उतना एफिशिएंटली आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्या है कि आपका अभी समय बहुत कम है, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा खींचा जाएगा, ठीक है। तो अपन जितना हो सके उतना मैं आपको अच्छी तरह से इफेक्टिवली पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जितना आ सके एग्ज़ाम के अंदर, जितना आप लिख सको मैं उतना ही आपको पढ़ा होगा, ठीक है। तो आज रात ये तय रहा कि हम प्लास्टिक डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे, गैंट्री गर्डर को नहीं करेंगे, ठीक है ना। ओके वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। ओनली एक डे ही होगा, हाँ जी बिल्कुल मीर, एक डे लगेगा, मतलब दो लेक्चर की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अंदर एक लेक्चर के अंदर तो कवर करना नहीं होगा, लेकिन दो लेक्चर इनफ है इसके लिए, ठीक है। निधि मिस्त्री कह रहे हैं कि फुट ओवर एंड गैंट्री गर्डर रखो बिकॉज 14 मार्क्स में है। हाँ देखिए मैं निधि, सुन लीजिए आप, अभी हम क्या कर रहे हैं अभी कि दो लेक्चर के अंदर प्लास्टिक डिज़ाइन को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद जो समय बचता है वो हम दोनों जो है वो गैंट्री गर्डर और फुट ओवर को देने वाले हैं। तो आप इसकी भी चिंता ना करें कि अगर हम प्लास्टिक डिज़ाइन कर ले तो दोनों टॉपिक रह जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है, हर एक चीज़ कवर करेगी, थोड़ी प्रायोरिटी हम चेंज कर रहे हैं, बस इतना ही है, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ जो आपको ज़रूरतमंद है, ज़रूरत आपकी चीज़ है, वो हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई खास डिमांड है, कोई खास बात है तो आप मुझे बता दीजिएगा। आपसे ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यही डिस्कस करनी थी आज, कि अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो किस तरह से हमें स्टार्ट करना है। ओके तो बस आज के इस लेक्चर में इतना ही। प्लेट गर्डर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जिस तरह से एग्जांपल पूछे जा सकते थे, मैंने आपको सारी चीज़ें करवाए हैं। मैंने आपको ये भी बताया है कि एग्जांपल के अंदर कौन सी चीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और कौन सी चीज़ें, कौन से स्टेप्स आप बिना झिझक के उसके अंदर जो है सॉल्व कर सकते हो। मीर पटेल कह रहे हैं कि हाँ मासी लियाकत, देखिए मैं आपको एक आज आप रात को आओगे तो मैं काम करता हूँ, सारे जो थियरी होती है आई कोड से वो मैं सारी एक लिस्ट आउट करता हूँ, ठीक है। और लिस्ट आउट करके आपको उसकी लिस्ट दे दूंगा कि आई कोड के अंदर ये थियरी है जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है और ये पेज नंबर पर है, ठीक है, सही रहेगा आपके लिए? यस सर नो। अच्छा पीडीएफ चाहिए आपको, पीडीएफ की क्या जरूरत, मैं आपको क्या करूँगा कि थियरी का नाम लिखवा दूंगा, उसके अंदर पेज नंबर आगे लिखवा दूंगा, देन इट इज़ ओके, ठीक है। आपके पास आई एस कोड तो रहेगा ही, तो आप पेज नंबर से निकाल लीजिएगा उसे, ठीक है ना। ओके चलिए बहुत खूब, हाँ दर्शन पटेल मैं अभी वही बात कर रहा था, ठीक है। अपन इसकी जो थियरिटिकल पोर्शन है मैं आपको थोड़ा वो देख लूँगा मेरे हिसाब से कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, मैं पिछले कुछ ईयर्स के मुझे क्वेश्चंस थोड़े स्टडी करने होंगे, ठीक है एक बार फिर से, तो
तो मैं उसमें से इंपॉर्टेंट थियरी निकाल के आपको दूंगा कि भाई कौन कौन से थियरी इंपॉर्टेंट है जो अब तक पूछी गई है और अब कौन सी इंपॉर्टेंट हो सकती है जो आगे भविष्य में पूछी जा सकती है अपने आने वाले पेपर के अंदर। ठीक है, 17 तारीख को जो पेपर आपका है। ठीक है, देखिए यश आप चिंता मत कीजिए, गेंट्री गर्डर भी आपको मैं करवाऊंगा। गेंट्री गर्डर के अंदर भी ऐसी कोई बात नहीं कि हम गेंट्री गर्डर नहीं करवाएंगे, छूट जाएगा आपका, हमारे पास टाइम है, इनफ टाइम है, डोंट वरी। ठीक है, और गेंट्री गर्डर वगैरह ऐसे कोई इतने ज़्यादा लंबे लंबे चैप्टर नहीं है, ज़्यादा लंबे लंबे टॉपिक नहीं है, एक दो लेक्चर तो इसके लिए इनफ है मेरे लिए। ठीक है, दो लेक्चर के अंदर मैं आपको अच्छी तरह से इसको कवर करवा दूंगा, तो इसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल का लिस्ट, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं अपन जो मिलता है आपको आपको लिस्ट आउट करके देंगे। ओके, फुट ओवर ब्रिज भी करवाएंगे। देखिए आखिर में जो तीन चैप्टर बचे हैं वो हम तीनों तीन करवाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, तीनों तीन चैप्टर हम करवाने वाले हैं। बस शर्त इसके अंदर क्या हो रहा है कि प्रायोरिटी उसकी चेंज हो रही है। हालांकि मैं गेंट्री गर्डर के ऊपर जाने वाला था क्योंकि हमने अभी फिलहाल जो है वो प्लेट गर्डर डिस्कस किया है, तो प्लेट गर्डर के सिमिलर ही गेंट्री गर्डर होता है, तो अगर हम प्लेट गर्डर के बाद गेंट्री गर्डर को डिस्कस करते हैं तो बेहतर रहता है। लेकिन कई लोग डिमांड कर रहे हैं कि प्लास्टिक डिज़ाइन करवा दीजिए, तो प्लास्टिक डिज़ाइन करवा लेंगे, उसके बाद अपन गेंट्री गर्डर रख देंगे, उसके बाद फुट ओवर कर देंगे। ठीक है, तो तीनों तीन हम करवाने जा रहे हैं और हमारे पास ऐसा नहीं है कि तीनों तीन का टाइम नहीं है करने के लिए, टाइम है हमारे पास, वी विल डू इट और वी कैन डू इट। ठीक है, तो हम करेंगे इस सारी चीज़ों को बिल्कुल सही पेपर आज आप लोगों ने चले कोई बात नहीं। ठीक है, तो बस आज का ये हमारा लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आप मुझे इजाज़त दीजिए और मैंने आपको जो आज काम दिया है कि उस एग्जांपल को अपने घर बैठे बैठे सॉल्व कीजिए, आज रात तक आपको कहीं भी टाइम मिले, कब भी टाइम मिले तो आप उस एग्जांपल को एक बार ज़रूर सॉल्व करें प्लेट गटर के। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें, मैंने आपको जितना समझा दिया है उतना आपके लिए इनफ नहीं होता है, आपको अपनी तरफ से भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर पैदा करो और थोड़ा बहुत जो है खुद से प्रैक्टिस करो। ओके, और रात में जब आओगे तो आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट बता सकते हो या फिर अपन डायरेक्ट जो है आगे अपने प्लास्टिक डिज़ाइन के ऊपर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे रात 10 बजे इसी चैनल के ऊपर, इसी उत्साह और एनर्जी के साथ। ठीक है, मोमेंट और इस वगैरह इतना पढ़ा लिया है कि अब मोमेंट रात में सपने भी आते हैं तो मोमेंट और शेयर के आते हैं। ठीक है, चलिए थियरी नी लिस्ट अपलोड कर सो ने वेबसाइट, हाँ जो भी देखिए थियरी के रिलेटेड जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा, आपको अगर मैं अपलोड करूंगा तो अपलोड कर उसका मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अगर मैं आपको लिखवा रहा हूँ तो आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, तो आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए तो बस मिलते हैं, आप हमें इजाज़त दीजिए। ठीक है, चलिए तो गुड बाय और हैव अ ग्रेट डे एंड बेस्ट ऑफ लक।